हेलो फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सलवार की कटिंग, बेहद सरल तरीके से बताऊंगी। तो समझो हमारा ये, मैं छोटे पीस में बता रही हूँ, ये हमारा है कपड़ा। तो इस कपड़े को देखिए, उल्टा वाला भाग है, तो इसको ये देखिए, हमारा सलवार 2 मीटर, 2.25 मीटर में बन जाती है सलवार हमारी। तो देखिए बताऊँ कि सबसे पहले से घड़ी कर लेना है डबल। ये ऊपर की तरफ आपको बंद वाला भाग रखना है, नीचे की तरफ खुला वाला भाग रखना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से निकालेंगे हम पोछे यानि मोहरी का भाग। ये यहाँ से इस तरीके से घड़ी करें, कितना 6 इंच का, छोटे पीस में बता रही हूँ, आप इसको 6 इंच का घड़ी करें। और फिर उसके बाद क्या करें, आप देखिए कि जो आप है ना लंबाई लें, तो जैसे हमारा बेल्ट रहता है, कितना ऊपर का बेल्ट रहता है हमारा तैयार 6 इंच का, आप चाहें तो 7.5 इंच का भी रख सकती है। वैसे तैयार बेल्ट रहता हमारा 6 इंच, और 2 इंच हम रखते हैं अपने नाड़ी के लिए, जो हमारी नाड़ी डालने का पोल पट्टी रहती है। तो हम कितना रखेंगे बेल्ट, 8 इंच का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाते हुए देखिए ऐसा बढ़ता हुआ, यहाँ से ऐसा नाप लेंगे जो हमारी कितनी लंबाई रहेगी। 6 इंच को छोड़ के जैसा हमारी लंबाई है 36 की, 38 की, यह कि 39 की, सलवार वैसे फुल साइज की रहती है 40-42 इंच की, और आपकी लंबाई क्या है अपने हाइट के हिसाब से आप सलवार की लंबाई ले सकती हैं। तो यहाँ से कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ से ले, जैसे 6 इंच छोड़ करके बाकी ये बराबर ही लंबाई ले लें आप, जो आपके सलवार की हो। ये छोटे पीस में है तो मैं बराबर नाप नहीं बता रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ से निशान लगा दें, ये हमारा, ये जो हमारा 6 इंच है इसको यहाँ से छोड़ते हुए बेल्ट का भाग, प्लस यहाँ पे लंबाई जो आपकी आ रही हो 36, 38, 39, 40 जो भी आ रही हो उतना पोर्शन आप छोड़ सकती हैं। और 6 इंच का रखें ये हमारा मोहरी वाला भाग। अब मैं बताऊँ कि यहाँ पे ये रखने के बाद आप क्या करें कि सबसे पहले यहाँ से चाहे तो अभी निकाल दें कपड़ा या बाद में निकाल दें, यहाँ से निशान लगाएं, ये निकाल भी सकती हैं आपसे। ये कपड़ा जो हमारा निकलेगा इसमें से हम बनाएंगे बेल्ट, इस तरीके से ये निकाल के अलग कर दें। अब ये हमारा पोचे वाला भाग हो गया, इसको एक बराबर कर लें। ये मैं कटिंग नहीं करी हूँ बराबर, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा दिखता है, तो बराबर निशान लगाने में आपको क्या कैमरे पर बराबर दिखता है, ये हमारा जो उल्टा साइड रहती है तो बराबर दिखती है नहीं, डिजाइन में नहीं दिखती है। देखिए ये हमारा हो गया ये पोचे वाला भाग। अब हमको निकालना है यहाँ पे कलियाँ, तो कलियाँ किस तरीके से निकालना, अंदर की तरफ निकालना। देखो मैं बताऊँ कि जैसे हमारे ये है आसन हमारा रहता है कितना, 6 इंच हमारा हो गया बेल्ट। अब फुल आसन तैयार हमारा रहता है 15 इंच का, ज़्यादा आसन ले लेंगी तो भी उसमें क्या है कि लटक ज़्यादा रहती है तो दिक्कत होती बैठने में। तो सबसे पहले हमारा आसन कितना रहता है, 15 इंच का। तो हम 6 इंच का ये निकाल दिए हमारा बेल्ट का भाग, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ, 9 इंच। तो देखिए बताऊँ कि यहाँ पे 9 इंच पे आप निशान लगा लेंगी, यहाँ पे 2 इंच ये छोड़ के 2 इंच पे यहाँ निशान लगा लें। इसके बाद में यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएं, ये वाला भाग मेरे इसमें निशान मत जाइए आप, कि 9 इंच पे यहाँ निशान लगाएं, और यहाँ पे भी 2 इंच आप इधर छोड़ दें, क्योंकि ये हमारा क्या है पोचे वाला भाग है, और यहाँ पे भी 9 इंच पे निशान लगा लें। अब देखो बताओ ये निशान से और इस निशान से आपको क्या करना है कि मिलाना है ये बीच का भाग, ये हमारे को ये मिला देना है। देखिए सबसे पहले आप पूरा लाइन तक की कटिंग कर लें, ये ले गए ये, और ये वाला भाग ही हम ये हमारा हो गया कलियां वाला। अब इसको भी इसको इस तरीके से मिला दें, ये इसको सीधा कर दें। अब ये हमारी हो गई कलियाँ, देखिए 2 कली हमारी ये हो गई और 2 कली ये हमारी ये एक ये। तो इसको आपको कटिंग नहीं करना है, आप क्या करें कि जैसे यहाँ से बता दूँ कि यहाँ से भी पकड़ के सिलाई लगा दें, और यहाँ पे भी सिलाई इसलिए लगा दें कि जो हम यहाँ पे सल भरते हैं उसमें हमको दिक्कत नहीं आती है। प्लेन कपड़ा छोड़ेंगे तो सल में दिक्कत आएगी, दिखेगा नहीं बराबर। तो चाहे यहाँ से आप ऐसा कट का निशान लगा दें कि यहाँ से पकड़ के हमको सिलाई लगाना है जोड़ के, और यहाँ से भी कट लगा दें। देखिए ये हमारी हो गई कलियाँ, 2 कली ये और 2 कली ये। अब मैं बता दूँ आपको, इसको बराबर कर ले, ये हमारी हो गई सलवार की कटिंग।
अब यहाँ इस वाले कपड़े से हम निकालेंगे बेल्ट। तो जो बेल्ट का भाग रहता है, आप सबसे पहले नाप ले लें कि आपकी कमर कितने की है, पूरी गोलाई लंबाई लेना है कि आपकी कमर 24 की है, 25 की, 50 की, जो भी हो ऐसा डबल करके। वैसे फुल साइज की जो हमारी लंबाई तैयार रहती है, डबल 50 इंच हम लेते हैं 25 इंच पे, क्योंकि डबल रहता है मार्जिन हमारा। तो ये फुल साइज की रहती है जिसके कमर बड़े एकदम घेर वाले रहते हैं। बाकी यूँ आप 22 इंच पे निशान लगा लें, 48 इंच की सलवार ले लें निशान। तो इस तरीके से घड़ी करके ये डबल वाले भाग में आपकी कमर की गोलाई का नाप होता है। तो जो हमारा ये वाला कपड़ा बचता है, इसमें से हम निकालते हैं बेल्ट का भाग, कटिंग लें। ये देखिए, अब आपका कपड़े यदि कम पड़ता है, जोड़ लगता है, यदि बराबर है बेल्ट, तो आप है इसी को बेल्ट का भाग इस तरीके से रख के इस ये यहाँ से तो बेल्ट लगेगा, और जो हमारा ये वाला भाग रहता है यहाँ पे हम सल भर देते हैं। और सल भरने का बताऊँ कि आपको सल किस तरीके से भरते हैं, जो हमारा आगे वाला भाग रहता है ये इसमें से नहीं भरना है, आपको सल यहाँ भरना है, इधर बीच वाले भाग से आगे की तरफ इधर बराबर नपती ले लेना। जैसे हमारी ये बेल्ट है, तो ये पीछे वाले भाग में सल नहीं भरना, आगे वाले भाग में सल भरना है आपको इस तरीके से। तो हमारा जो ये वाला कपड़ा, इधर इतनी जगह बचती है ये, तो ये हमारे सल के काम आता है। और जो हमारा ये कपड़ा बचता है, देखिए बताऊँ, बहुत सरल तरीके की सलवार है ये कटिंग, ये वाला कपड़ा बचता है, इसमें से हम बनाएंगे क्या म्यानी। तो म्यानी आप चाहें तो यहाँ से कपड़ा निकाल करके थोड़ा सा ये कटिंग कर दें, ये वाले भाग में म्यानी हमारी इस तरीके से चौथाई बनती है। जैसे हम 8 इंच का ये कपड़ा लेंगे बराबर, ये देखिए, ये कपड़ा ले करके इसको ऐसा रख दो तो बराबर दिखेगा आपको। ये हमारा ये जैसे ये वाला म्यानी का भाग अक्सर देखे बताऊँ कि 4 फोल्ड करते हैं। जैसे हमारी ये सिंगल हुआ, सिंगल, फिर ये डबल, क्योंकि हमको 2 म्यानी निकालनी रहती है, फिर ये हम चौथाई फोल्ड करेंगे। और चौथाई फोल्ड करने के बाद में देखिए बताऊँ, जैसे यहाँ से लेकर के ये खुले वाले भाग से नहीं, बंद वाले भाग तरफ में आई निकलेगी, यहाँ पे आखिरी कोने पे निशान लगाएं और यहाँ पे इस तरीके से ये तिरछा करके कटिंग कर दें। ये हमारी म्यानी क्या परफेक्ट कटिंग होती है, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया म्यानी वाला भाग, ये हमारी 2 म्यानी निकल आई। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ये म्यानी, और ये हमारा हो गया बेल्ट। और जो हमारा ये वाला कपड़ा बचता है, इसको बताऊँ, इसको इस तरीके से कटिंग करके, कपड़ा क्या है, सलवार 2 मीटर सवा 2 मीटर में एक भी काप की कतरन नहीं फेंकी जाएगी ना बचेगा। देखिए ये वाला भाग जो हमारा, ये हमारे यहाँ मोहरी में काम आ जाता है बेल्ट की, अंदर पट्टी लगा के इसमें आप कैनवास भी लगा सकती हैं। 2 मोहरी हमारी हो गई ये यहाँ पे लगाने के लिए, इसको डबल करके देखिए बताऊँ, ये हमारा हो गया मोहरी वाला भाग, क्योंकि ये पट्टियाँ हैं अंदर लगाने वाली। इस तरीके से होती सलवार की कटिंग। यदि कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो वीडियो